हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, खूब सारा मैंने स्प्राउट्स बनाया है घर पे। तो ये मेरा मतलब कि प्रोटीन इंटेक जो होता है सबसे मेन ड्राई फ्रूट, और ये स्प्राउट्स ही होते हैं। और पूरे घर में सबको मैं देती हूँ, हम चारों मिलके खाते हैं, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैं ऐसा ना स्प्राउट्स बना लेती हूँ, इसे कपड़े में ऐसे डाल के एक दिन रखिए ना, एक दिन 8-10 घंटे भिगाने के बाद कपड़े में डाल दीजिए 8-10 घंटे, तो बहुत अच्छे स्प्राउट्स निकल जाते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। तो ये इसका चीला मैं बना देती हूँ, इसका इडली मैं बना देती हूँ किसी भी फॉर्म में ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है, आप देख ही पा रहे हैं। तो इसको मैं फ्रिज में भी स्टोर करके रखती हूँ, इसलिए वीक में एक बार करती हूँ, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर जल्दी से कर लेती हूँ। जैसे इस बार देखिए, यहाँ पे प्याज और लहसुन मिर्च धनिया डाल के ऐसे खा लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे आई हूँ मैं सुपरमार्केट, तो सुबह सुबह का नाश्ता स्प्राउट्स रहता है ना, तो बहुत वो भी नहीं रहता कि क्या बनेगा क्या बनेगा, बहुत कुछ इन लोगों का पराठे ये सब चलता रहता है, लेकिन हमारा तो स्प्राउट्स ही। मैं ज़्यादा पराठा रोटी ये सब नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे ही सुपरमार्केट में आ गई थी, और आजकल वाटरमेलन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं उसको सर्च करने में बहुत सारा टाइम लगाती हूँ, दो दो तीन तीन कटवा देती हूँ कि भाई कौन सा अच्छा है। और वो जो वो हेल्पफुल होते हैं वो लोग भी, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे कहते नहीं कि आपने ये कटवा लिया तो आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा रेट निकलता है तभी मैं लेती हूँ। और ये बहुत ही यम्मी था, मुझे अभी भी मतलब मुँह में पानी आ रहा है, ये बहुत बार अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा था। और थोड़ा थोड़ा जो भी चीज़ चाहिए होता है ना, तो मैं नीचे से ले लेती हूँ। और ये ब्लॉग में बता दूँ ना, फर्स्ट वीकेंड का है जब मैं आई थी। हेलो दोस्तों, तो आज है शनिवार और मंडे को हम लोग आए हुए हैं। मंडे के बाद आज निकल रही हूँ मैं, मतलब कि अभी तक गाड़ी में भी नहीं बैठे, हम लोग टैक्सी से आए थे। ये देखिए, तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और बहुत धूप है, बहुत, मतलब कि अभी 11 बज रहे हैं। तो इनको कोई काम था तो कह रहे हैं कि चलो चलते और काम भी हो जाएगा और थोड़ा तुम लोगों का घूमना, वैसे भी निकली नहीं हो, थोड़ी दया खा रहे हैं तुम नहीं निकली हो। बच्चे तो डेली स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं एकदम मंडे से, मंडे मॉर्निंग हम लोग 7 बजे आए थे, 7 बजे नहीं, 5 बजे, 5 बजे घर पे मैं आई, घर में ही बैठी हूँ और बस एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग, बहुत सारी एडिटिंग, जैसा कि आप लोग वीडियोज़ देख ही रहे हैं। बुर्ज खलीफा सामने, तू बुर्ज खलीफा देखो, बहुत दिन बाद देख रहे हैं ना। कैसे अदू दुबई आके कैसा लग रहा है हंस? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाहर खेत खलियान दिखते थे, अभी क्या दिख रहे हैं? अभी बिल्डिंग्स, रोड, कार एंड बस, बस प्लांट प्लांट एंड और ट्रैफिक, सो मच ट्रैफिक। साइकिल साइकिल में दिख रही है। तो कैसा लगा इंडिया? अच्छा अच्छा खराब अच्छा खराब। दुबई अच्छा है, इंडिया दुबई अच्छा है? मुझे तो इंडिया अच्छा लगता है। अभी तो मैं तो उस जोन से निकल ही नहीं पा रही हूँ, 15 दिन के लिए ही थी। क्या हुआ? तो जी हाँ दोस्तों, ये ब्लॉग फर्स्ट वीकेंड का है जब मैं आई थी ना, तो उसके बाद एक हफ्ते तक तो मैं मतलब घर में आई, सेटल होना और एडिटिंग में लग गई, जैसा कि आपको सारे वीडियोस मैंने आपको आने के बाद एडिट करके यहाँ पे दिए हैं, इंडिया के जितने भी ब्लॉग थे। तो मैं 28 मई को आ गई थी यहाँ पे वापस, और यह अंसार गैलरी में मैं आई थी, मतलब हस्बैंड का कुछ काम था आसपास में, तो कह रहे थे उधर चलो। और इस वीकेंड में, मतलब ये पहला जो वीकेंड था, इसमें हस्बैंड का काम और हमारा ये शॉपिंग दोनों साथ में। अंसार गैलरी बहुत ही सही है, इंडियन शॉपिंग सेंटर समझ लीजिए, मतलब हर चीज़ मिल जाती है और प्राइस भी वीकेंड में अच्छे डिस्काउंट आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ले रहे थे, यहाँ पे देखिए वाटरमेलन की तो पूरे जगह इस समय भरमार है, और मैंगोज़ को कैसे भूल सकते हैं, तो मैंगोज़ भी हम लोगों ने लिए, खूब सारे मैंगो आजकल खा रहे हैं। और जो भी चीज़ें ख़त्म हुई थी, कुछ छोले और ऐसे चीज़ें कुछ कुछ ख़त्म हो गई थी, मूंग दाल, तो चना दाल मूंग दाल आजकल बहुत ज़्यादा लगता है, चना खड़े वाले जो होते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी कि क्या क्या कम है। एक हफ्ते आए हुए हो भी गया था, तो मैं वही सब ले रही थी, बहुत ज़्यादा स्टॉक करके तो नहीं रखती हूँ, मतलब जितना जो काम होता है उतना ही। और ये थोड़ा सा
पहला वीकेंड था ना, तो एकदम मैं उस वाले जोन में थी, इंडिया से आई थी ना। अभी मैं फिलहाल एडिटिंग बहुत देर बाद कर रही हूँ तो मेरा अभी भी सही है, लेकिन उस टाइम तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। 15 दिन के लिए बस गई थी मैं, लेकिन फिर भी पूरा मतलब अच्छा रहता है। एक हॉलीडे पे जाना चाहिए, साल 2 साल में एक बार ना आपको जाना चाहिए। पूरा चीज माइंड चेंज हो जाता है, पूरा न्यू स्टार्ट जैसा फीलिंग आती है। और यहाँ पे मैं कोको कोला देख रही थी, तो ये बॉटल वाला था ना, तो मैं अंश को बता रही थी, देखो पहले ऐसा मिलता था और अभी भी मिलता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन इसलिए मैं देख के उसको दिखा रही थी। और यहाँ पे कॉर्न वाला, ये वाला नमकीन कौन कौन खाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस यही सब हम लोग खा रहे थे और फ़ोन पे बात भी कर रहे थे। हस्बैंड वो बहुत बड़ा है ना, तो हम लोग ऊपर नीचे काफ़ी टाइम तक इधर उधर घूमे। और इलेक्ट्रॉनिक ये सब चीज़ें, से इंडिया जाना हो ना तो अंसार गैलरी आना बहुत अच्छा रहता है, मतलब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि पानी पूरी की शॉप लगी हुई है अंसार गैलरी के अंदर ही। किस किस को पता है मुझे ज़रूर बताइएगा, पता नहीं अभी है कि पहले से था, मुझे इस बार दिखा तो मैंने कहा पानी पूरी ट्राई करते हैं। वही इंडिया वाले जोन में ही थी मैं, ट्राई किया लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा। वो बात कहाँ आती है इंडिया वाली ना। लेकिन हम लोगों ने एक खा लिया, मतलब एक मतलब सेट में 6 आते हैं ऐसा, तो वो खा लिया। और यहाँ पे मैं आदिल भी आई हूँ, तो मूंगफली जो होते हैं ना वो हमेशा रहने चाहिए, चना और मूंगफली। चना मैं इंडिया से भी थोड़ा लाई थी, मम्मी ने दिया था थोड़ा, ये वाला ना फूला फूला रहता है। अच्छा, आदिल में भी 2 तरह के चने मिलते हैं, ऐसे भुना चना जो थोड़े फूले फूले बड़े बड़े होते हैं, वो वाला मैं ले लेती हूँ, तो 1-2 पैकेट वो लिया। और ये 2-2 किलो का 2 पैकेट मैंने मूंगफली ले लिया, तो मूंगफली बहुत ही मेरे घर में लगता है और अच्छा भी रहता है। जैसे अंश पढ़ाई करते रहते हैं तो उनके डेस्क पे ना ऐसे चना और मूंगफली रखा रहता है, तो अंश खाते रहते हैं, वो उनको बहुत जरूरी चाहिए होता है। अभी हम लोग आ गए हैं ओसिस मॉल है? हम लोगों का बहुत ही फेवरेट मॉल है। और यहाँ पे पापा का सारा काम निकला जा रहा है अंसार गैलरी से ओसिस मॉल, हमें घुमा रहे हैं और घुमा नहीं रहे हैं, खाली ये सोच रहे हैं कि मेरा काम है, तुम लोग यहाँ रहो, तुम लोग वहाँ रहो, है सही ना। ओसिस मॉल अद्दू महाराज बुर्ज खलीफा। और हम लोग ना बहुत दिन बाद आए हैं, बस इतनी गर्मी बढ़ गई है ना अचानक से, जैसे यहाँ की गर्मी और इंडिया की गर्मी बहुत अलग है। यहाँ की गर्मी जैसे एकदम जलती है, स्किन को जलाती है, और इंडिया में पसीना होता है। नहीं, इंडिया में बहुत ज्यादा हीट नहीं होती, बहुत ज्यादा यहाँ हीट नहीं होती। तो आ गए हैं ओसिस मॉल के होम सेंटर वाले सेक्शन में। यहाँ पे होम सेंटर, अच्छा पहले मैं होम बॉक्स में गई थी, होम बॉक्स और होम सेंटर में मैं देख रही थी बेड। और बेड लेना है इन फ्यूचर, इन फ्यूचर मतलब जल्दी जब अच्छा मिल जाए तब, ऐसा नहीं है कि बेड एकदम ये टूट गया यहाँ वाला भी मेरा, लेकिन फिर भी मतलब हम लोगों को हो गया है ना 8-9 साल, तो बेड थोड़ा सा चेंज करने की सिचुएशन आ गई है, लेकिन एकदम बेस्ट जब मिल जाएगा ना तभी हम लोग लेंगे। डबल बेड किंग साइज़, और मैं सोच रही हूँ स्टोरेज भी कुछ मिल जाए, तो ये वाले आजकल ना बड़े अच्छे अच्छे स्टोरेज वाले हाइड्रोलिक बेड आ रहे हैं। मेरा अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो भी हाइड्रोलिक था, लेकिन वैसे फ्रेम ये ऐसे नहीं था, वो उसमें कैसे ज्वाइंट ज्वाइंट सा रहता है, पट्टी पट्टी जैसा वैसा वाला है, तो वो बहुत सक्सेसफुल तो नहीं था, लेकिन 8 साल 9 साल चल गया तो भी मुझे लग रहा है सक्सेसफुल ही बोल सकते हैं उसको। और देखते हैं कुछ तो बेड लेना है, तो मैंने कहा अच्छा टाइम का अच्छा यूज़ किया जाए और बेड देखा जाए। और यहाँ पे अद्दू महाराज अपना ही कुछ देखने लगे, मुझे ये बेड चाहिए, मुझे वो बेड चाहिए, और ले जाके मुझे बेड का बड़ा शौक है। लेकिन यहाँ पे 1 BHK घर में अपना क्या ही बेड है, अलग अलग से क्या बहुत सिस्टम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन बच्चों का रहता है ना, ये अद्दू की थोड़ी सी फरमाइशें रहती हैं, इसकी ज़रूरत भी हमें नहीं है, लेकिन कुछ लेंगे तो बढ़िया सा मतलब सिंगल बेड एक मिल जाए और डबल बेड ऐसा, और अच्छा कुछ मिलेगा तभी लेंगे, तो वही मैं देख रही थी, वही टाइम का यूज़। और मार्केट में आप जब जाते हो ना तो चीज़ें देखने से समझ में आती हैं, तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ये होम बॉक्स में ना मैंने गणपति देखे, तो एक तो इसमें से मैंने लिया। और फिर से देखिए होम से, यहाँ पे मैं होम सेंटर में आ गई हूँ, तो होम सेंटर में भी कितने अच्छे बेड थे,
तो डिस्काउंट सीजन आने वाला है, मुझे लग रहा है कि फर्नीचर का डिस्काउंट आता है अगस्त लास्ट तक, अच्छा डिस्काउंट आता है, फरवरी में एक बार आता है और एक बार इस टाइम पे, और ऑनलाइन तो चलते ही रहते हैं। और ये वाला कितना डेंजर लग रहा था, घर में रख लो तो आप लगेगा कि आप कहीं हैं बाहर ही हो आउटडोर। तो ऐसे ऐसे बेड मिल रहे हैं आजकल, और मैं पूरा देख रही थी होम बॉक्स, होम सेंटर, साइज़ वाइज सब कुछ, और बहुत ही वैरायटी थी, तो आप लोग भी देख लीजिए। और पूरा जैसे आप सेट ले सकते हैं यहाँ पे ना, 2-3 हज़ार में आपको पूरा साइड टेबल, बहुत बार जैसे 4,000, 3,500 ऐसा कुछ लगा दो ना, तो पूरा ड्रेसिंग टेबल और ये अलमीरा ये सब भी मिल जाता है। तो पूरा रूम का सेट ऐसे लगा के रखा हुआ था कि जैसे आपको लेना हो ना, तो पूरा रूम का सेट एक साथ ले सकते हैं। मैं ये अलमीरा देख रही थी कि यहाँ पे हैंडल ही नहीं कैसे खुलेगा, तो वो वाला मैं थोड़ा पास से जाके देख रही थी कि यहाँ के अलमीरा में ना, मैं इंडिया में भी होता होगा, बीच में जैसे पूरा ऐसे हैंगर का ही रहता है पूरा खुला खुला, मुझे रैक्स अच्छे लगते हैं, तो वो तो मिलता ही नहीं, अलग से आपको लेके लगवाना पड़ेगा। और ये अलग अलग थीम पे देखिए, बच्चों के रूम के भी बहुत सारे थे, तो हस्बैंड बगल में ही कहीं गए थे, उनकी मीटिंग थी, तो हम लोगों को टाइम पास ही करना था, वो सैटरडे ही था। हाँ सैटरडे, कभी कभी इनका वर्किंग जैसा रहता है कि मीटिंग वीटिंग रहती है तो वो जाते हैं, तो कोई कोई सैटरडे ऐसा होता है तो वो साथ में ही हम लोगों को ले लेते हैं और घुमाते रहते हैं, ये इनकी हमेशा से आदत है। वीकेंड में तो सैटरडे संडे हम लोग साथ में ही रहते हैं, चाहे ऑफिस कहीं कोई काम हो जाना हो तो भी, ये तो कहीं ना कोई कुछ 1-2 घंटे का काम रहता है, तो हम लोग उस तरह से मैनेज करते हैं, ये शुरू से हम लोगों की आदत है। तो यहाँ का ऐसा सिस्टम ही है, जैसे ग्रॉसरी भी लोग खरीदने जाते हैं तो सारी फैमिली सब लोग साथ में ही जाते हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, लेकिन ये है ही यहाँ का कल्चर ही है, साथ ना जाओ तो फिर साथ रहने का मतलब वो फीलिंग नहीं आती। मुझे लगता है कि यहाँ का कल्चर ही है दुबई में, मतलब सब लोग साथ में ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ें मॉल में ही मिलती हैं और चीज़ें एक साथ ही हो जाती हैं, उसी में कहीं मीटिंग भी होती है मॉल वॉल में, तो ये हम लोगों को लेके ऐसे जाते थे। दुबई मॉल में पहले हम लोग बहुत जाया करते थे इसी वजह, क्योंकि ये ऑफिस उधर जाते थे। और ये देखिए दो महाराज अपने चलाके में लगे हुए, मम्मी लग रहा है कोई बेड ही ले लेगी मेरे लिए, तो बंक बेड क्या क्या बेड सारे ही देखे जा रहे थे और बड़े एक्साइटेड थे कि लग रहा है कोई बेड लिया ही जाएगा, लेकिन मैं देख रही थी और जो चाहिए जिस तरह का कुछ कुछ मैं फोटो। ये देखिए दोस्तों, ये KFC में कुकीज मिला आदू को, अभी किस लिए मिला? अभी यहाँ पे ना एक KFC वाला जो लड़के रहते हैं ना खाना दे, तो उनका वो यहाँ पे जो चेस्ट पे लगा होता है नाम, हाँ नाम जो लिखा होता है ना, वो गिर गया था, वो स्टील का होता है ना, तो KFC का था, तो अद्दू ने कहा मम्मा उसको कैसे दूँ, वो तो चला गया, और मैं KFC के शॉप में जो दुकान है उसमें दे देता हूँ ना। और गया बाबू देने, मैंने कहा यार ये तो स्मार्ट डिसीजन है अद्दू का, तो मैं दूर से बस देख रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कितना खुश होकर कुकीज़ दिया और थैंक यू बोला ना, क्या बोला हाँ, मतलब इतना अप्रिशिएट करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, कितना अच्छा काम किया हाँ, तो खुश हो गए ना। और हम लोगों का यहाँ पे देखिए स्पेशल डोसा भी आ गया है, लंच के टाइम बहुत भूख लगी हुई है, जूस भी आ गया, तो ये गन्ने का जूस, गन्ने का जूस मुझे बहुत मन था इंडिया में पीने का, मेरा हो ही नहीं पाया, मुझे बहुत पसंद है गन्ने का जूस, गन्ने का जूस अद्दू को भी बहुत पसंद है। हाँ आई एम प्राउड ऑफ यू सोना, आज तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। बहुत यमी है। तो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल ना बच्चों को जो सामने से मिलते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, इसको प्रैक्टिकल आप बोल सकते हैं कि आपको अच्छा किया और अच्छा मिला, तो इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है। तो ऐसा दिन रहा, बड़ा अच्छा सा लगा मुझे उस दिन, और अद्दू एकदम खुश हो गए थे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बस हम लोग खा पी के उसके बाद भी थोड़ा वेट किए, फिर हस्बैंड आ गए, फिर हम लोग चल दिए घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।